हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि जो आप सब ठीक होंगे। गाइस, ये है आर्टिक V3 मोबाइल मैग्नेटिक गेमिंग कूलर, और इस गेमिंग कूलर को मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो चलिए जो इस वीडियो में बताता हूँ इस आर्टिक V3 मोबाइल मैग्नेटिक गेमिंग कूलर के बारे में, कि क्या हम लोग को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमारे डिवाइस को कितना कूल कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आर्टिक V3 का रिव्यू लेके आओ, तो चलिए जो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसको मैं यूज करते हुए करीब 1 से 1.5 महीना हो चुका है इस मोबाइल मैग्नेटिक गेमिंग कूलर को। तो चलिए जो है इस वीडियो में आपको बताता हूँ। और इस आर्टिक V3 मोबाइल मैग्नेटिक गेमिंग कूलर का मैंने कई सारे गेमिंग कूलर के साथ कंपैरिजन भी किया हूँ, तो मेरे चैनल पे जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए जो है बताते हैं आपको इस गेमिंग कूलर के बारे में। और अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से। अगर आप नए हो तो आपको सब कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। पहले देखोगे बीच में आर्टिक V3 लिखा हुआ मिल जाता है, इन लोगों देखने के लिए मिल जाएगा। और ये बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, जैसे सभी का बिल्ड क्वालिटी मिलता है। आर्टिक V3 हो या आर्टिक V3 वर्टुटोन फ्रोस्ट वाले को जो मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, तो उसका बिल्ड क्वालिटी और नोट आउट फोन सभी का जो है सेम टू सेम जो है बिल्ड क्वालिटी मिलता है। और यहाँ पे देखोगे टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक स्विच इसमें देखने को मिल जाता है। और वेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50 ग्राम का वेट इसमें देखने को मिल जाता है, जो लाइट वेट के साथ ही आता है, लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज कर पाओगे। ये कूलिंग एरिया देखोगे तो ये पूरा जो है कूल एरिया होता है, ठीक है, पूरा कूलिंग एरिया होता है। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी माना रहता है कि जो पूरा कूलिंग एरिया होने से वजह से मोबाइल पूरा जो है ठंडा होता है, तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा कूल एरिया होता है। और देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है RGB लाइट देखने के लिए मिल जाता है। कोई यहाँ पे कुछ अलग से मोड नहीं दिया गया RGB का, बट इसी तरह से आपको RGB लाइट देखने के लिए मिल जाता है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें 3 स्पीड के साथ आता है, तो आप अपने स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ वर्टुटोन फ्रोस्ट और आर्टिक V3 का। यहाँ पे देखो मेरे पास 2 आर्टिक V3 है और प्लस यहाँ पे वर्टुटोन फ्रोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में वर्टुटोन फ्रोस्ट है और राइट साइड में आपको आर्टिक V3 वाला है। तो देख सकते हो कूलिंग एरिया है, दोनों का अलग डिफरेंस मिलता है। और इन दोनों का मैंने कंपेरिजिंग वीडियो भी बनाया हूँ, अगर आपको देखना है कि कूलिंग एरिया जो है छोटा और बड़ा होने से क्या डिफरेंस होता है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। इन दोनों का मैंने कंपेरिजिंग वीडियो भी बनाया हूँ, तो आपका अगर देखना है तो जाके वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया हूं। तो अब बात करते हैं आर्टिक V3 वाले को। मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं इस गेमिंग कूलर को, मैंने एंड्रॉइड में भी लगा के जो है काफी दिनों से इसमें गेम प्ले कर रहा हूं। और प्लस आपको जो है डेली मैं जो है लाइव स्ट्रीम करता हूं अपने गेमिंग चैनल से, अगर होगे तो आपको पता होगा कि मेरा गेमिंग चैनल के बारे में, वहां पे मैं डेली ही लाइव स्ट्रीम करता हूं, 2 से 3 घंटा डेली लाइव स्ट्रीम करता हूं। और मैं वहां पे जो है आईपैड में गेम प्ले करता हूं, आईपैड में भी इसको लगा के मैंने देखा तो भाई मस्त जो है ये कूल कर देता है। और प्लस आईफोन में भी लगा के मैंने जो है यहां पे टेस्टिंग किया हूं आर्टिक V3 वाले को, तो बहुत ही अच्छी तरह से डिवाइस को मेरा कूल कर देता है। पहले जो है विदाउट कूलर खेलता था तो भाई काफ़ी ज़्यादा मेरा डिवाइस गर्म हो जाता था, बट इसको लगाने के बाद जो है मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ये कूल कर देता है। जो पहले ओवर हीटिंग का इशू था ना, अब यहाँ पे जो है इसको लगाने के बाद ओवर हीटिंग का जो इशू था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपका भी ओवर हीटिंग हो रहा है डिवाइस, तो इस जो है गेमिंग कूलर को लेके आप जो है खेल सकते हो, आपका जो ओवर हीटिंग का इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा इस गेमिंग कूलर को लेने के बाद। जो भी आपका गेमिंग जो है ना काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से जो गेमिंग का जो FPS होता है ना वो डाउन हो जाता है और लैग होने लगता है। तो अगर आपका इस तरह का जो है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है गेमिंग कूलर ले सकते हो, आपका स्मूथ जो है गेम प्ले होगा और प्लस FPS भी डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है गेमिंग कूलर को तो ले सकते हो, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना गाइस। और मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग जो क्वेश्चन ये कर रहे थे कि आर्टिक V3 वाले का कूलिंग एरिया जो होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस ज्यादा कूल होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम कूल करता है। और यहाँ पे वर्टुटोन फॉरेस्ट वाले के साथ मैंने कंपेरिजिंग वीडियो भी बनाया हूं, उसका कूलिंग एरिया है छोटा मिलता है, लेकिन वो दोनों का जो है सेम टू सेम जो है कूल करता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इसका कूलिंग एरिया बड़ा हो तो जिसकी वजह से जो है हमारा डिवाइस जो है ज्यादा कूल होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम जो है कूल करता है। इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिक V3 वाला थोड़ा 100-200 रुपया कम मिल जाता है, यहाँ पे आर्टिक V3 वाले का 100-200 रुपया ज्यादा मिलता है, और वर्टुटोन फॉरेस्ट वाले का यहाँ पे कम जो है थोड़ा प्राइस मिल जाता है 100-200 रुपया। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी आप लोगे तो आपका जो डिवाइस जो है ना ज्यादा ओवर हीटिंग हो जा रहा है, तो इसको लगाने के बाद जब गेम प्ले करोगे तो ओवर हीटिंग नहीं होने देगा आपके डिवाइस को, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी जाके ले सकते हो, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा कुछ बड़ा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, बस सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने बना दिया है। तो अगर आपको जो भी लेना है दोनों में से कोई भी जाके ले सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से ये दोनों में से कोई भी जो है आप कर लोगे तो आपका डिवाइस को मस्त जो है कूल कर देता है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह का जो है
सीरियस का अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड जो है आपको कंपेरिजिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो प्लीज सब सभी जो है सपोर्ट करो इस चैनल को, जल्दी से जल्दी 2K करा दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी गजस का रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा गाइस।